क्या कांग्रेस ज्वाइन करेंगे भगवंत मान? नवजोत सिंह सिद्धू का बड़ा दावा। दरअसल आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने बड़ा दावा किया है। सिद्धू ने कहा है कि पंजाब सीएम भगवंत मान ने एक बार फिर पार्टी में शामिल होने के लिए उनसे संपर्क किया था। कांग्रेस नेता ने यह बात एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कही। उन्होंने इंटरव्यू के एक क्लिप एक्स हैंडल पर भी शेयर किया है। हालांकि सिद्धू के दावे पर अभी तक पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि मैं आपको एक बात बता सकता हूं कि असल में मुझसे किसने संपर्क किया था। भगवंत मान साहब मेरे पास आए थे, अगर वह कहेंगे तो मैं उन्हें वह जगह भी बताऊंगा जहां वे मिले थे। सिद्धू ने कहा, भगवंत मान ने मुझसे कहा कि पाजी अगर मैं उन्हें कांग्रेस में शामिल करा दूं तो वह मेरे डिप्टी बनने के लिए तैयार है। और उन्होंने मुझसे यह भी कहा था कि अगर आप आम आदमी पार्टी में आ जाए फिर भी वह मेरे डिप्टी बनने के लिए तैयार है। सिद्धू ने यह भी दावा किया कि उन्होंने पंजाब सीएम भगवंत मान से कहा कि वह कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के प्रति प्रतिबद्ध हैं और उनके लिए उन्हें छोड़ना संभव नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि उन्होंने मान से कहा कि यदि वह चाहे तो कांग्रेस में शामिल होने के लिए उनका स्वागत है और उन्हें दिल्ली में पार्टी नेतृत्व से बात करनी चाहिए। इसके बाद आगे कोई चर्चा नहीं हुई। कांग्रेस नेता ने कहा कि उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, वो है पंजाब के लोगों की सेवा करना। उन्होंने पंजाब पर बढ़ते कर्ज को लेकर भगवंत मान के नेतृत्व वाली आप सरकार पर भी निशाना साधा। सिद्धू ने कहा कि वे विमान और लग्जरी गाड़ियों में चलते हैं लेकिन इसका कर्ज पंजाब की जनता को चुकाना पड़ता है। वहीं आपको बता दें, इंडिया अलायंस में शामिल दोनों दलों के बीच दिल्ली हरियाणा और गुजरात को लेकर सीट शेयरिंग की डील फाइनल हो चुकी है। हालांकि इसमें पंजाब को अलग रखा गया है। वहां कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन नहीं होने की वजह से दोनों ही पार्टियां अलग अलग चुनाव मैदान में उतरेंगी।